दोस्तों ये देख रहे हैं बोगन बिलिया की कटिंग है और बोगन बिलिया की कटिंग दोस्तों कैसे फास्ट तरीके से ग्रो करना है इसको बारे में दोस्तों आज को बताएंगे। दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि मैं एक न्यू टेक्निक बताएंगे और उस न्यू टेक्निक से जो बोगन बिलिया की कटिंग है आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि करना क्या है। कोई भी कटिंग आपको लेना है दोस्तों तो कम से कम आपको ध्यान दें कि 10 से 12 इंच की कटिंग लेनी है। और उसके बाद एक केयर चीज़ और आपको करना है कि बहुत पुरानी कटिंग नहीं लेनी है, बहुत नई कटिंग भी नहीं लेनी है। जो बीच की कटिंग है उसको आपको लेनी है, मीडियम में लेनी है, आपको ध्यान रहे। दोस्तों पुरानी ले लेंगे तो भी नहीं ग्रो करेगा और नई ले लेंगे तो भी ग्रो नहीं करेगा, तो ये आपको ध्यान रहे। देखिए इस तरीके का हम इसी का कटिंग इसमें से कट कर लिए थे। कटिंग दोस्तों हम लगाने वाले थे, सोचे आपको इसका वीडियो बना के आपको दे दें। दोस्तों देखिए इसको हम यहाँ से कट कर इसको छोटा कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग की दोस्तों अगर आपको बता दें साइज़ तो कम से कम दोस्तों 10 से 12 इंच इसकी बिल्कुल उपयुक्त है कटिंग लेने के लिए। देखिए दूसरा कटिंग हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं कट। दोस्तों 4 से 5 कटिंग हम तैयार करके आपको दिखाते हैं और इसमें से जो ये सब शाखाएँ दोस्तों इसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद इसमें से भी ले लेते हैं कटिंग को हम। देखिए 3 कटिंग दोस्तों ये बन के में तैयार हो गई, एक कटिंग और ले लेते हैं। देखिए ये 4 कटिंग हमने ले लिया। अब जो इसमें दोस्तों कांटे हैं इस कांटे को हम निकाल देते हैं। और जो टेक्निक हम दोस्तों बता रहे हैं इस टेक्निक से सभी कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। बोगनविलिया की जितनी भी वैरायटी आती है सभी वैरायटी को हम इस कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए जो इसमें कांटे हैं कांटे को ध्यान से आप इसमें कट कर लीजिए। अब बात आती है दोस्तों इसको कटिंग को ग्रो किस में करते हैं। तो दोस्तों वीडियो हम लास्ट तक बने रहिए, आपको बताएंगे इस कटिंग को किस में ग्रो करते हैं। और दोस्तों जो आप वेस्ट के रूप में बोतल को फेंक देते हैं उस बोतल में हम आपको ग्रो करके आपको दिखाएँगे। हाँ एक बात आपको ध्यान देना है कि दोस्तों होता है क्या है कि जब कटिंग को हम लगाने आते हैं तो ऊपर कटिंग और नीचे कटिंग हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना, जो ऊपर कटिंग ऊपर ही रखना है, जो नीचे कटिंग नीचे ही रखना है। तो इसमें हमको रूटिंग हार्मोन जो लगाना है, रूटिंग हार्मोन क्या लगाना है दोस्तों, रूटिंग हार्मोन के लिए आप जानते हैं कि सबसे बेस्ट और फ्री का एलोवेरा बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये काम करता है। और एलोवेरा की जो जेल होता है दोस्तों, जेल को आप निकाल के भी रूटिंग इसमें लगा सकते हैं, कटिंग को निकाल के और उसको कटिंग को उसमें डिप करके और 10-15 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। इस तरीके से भी आप उसको लगा सकते हैं। देखिए हम रूटिंग हार्मोन ऊपर और नीचे तो दोनों तरह लगाते हैं। दोस्तों होता है क्या है कि जो नीचे लोग लगा के ऊपर छोड़ देते हैं दोस्तों, ऊपर भी लगा देते हैं, कभी कभी होता है कि दोस्तों कटिंग हमारी सूख जाती है ऊपर से भी। तो ये आपको ध्यान रहे, इस तरीके से आप इसे लगा दिया करिए। देखिए हम ये लगा दिए और अब करना क्या है, लगाने के बाद दोस्तों इसमें एक नई टेक्निक है, टिश्यू पेपर अगर आपके पास होगा तो टिश्यू पेपर दोस्तों ज़रूर यूज करिएगा। टिश्यू पेपर से दोस्तों होता क्या है कि कटिंग बहुत जल्दी से ग्रो कर जाती है। जैसे देखिए इस तरीके का टिश्यू पेपर अगर आपको मिल जाता है तो अब इसे कट कर लीजिए टिश्यू पेपर को। और कट करने में जो निचला सिरा है, निचला सिरा को इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर दीजिए। देखिए हमने फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के बाद एक काम आपको ये करना है कि दोस्तों हल्का सा इसमें पानी आपको लगा देना है। पानी दोस्तों लगा देंगे तो जो टिश्यू पेपर हमने लगाया हुआ है तो जल्दी से टिश्यू पेपर ये हटेगा नहीं यहाँ से, अच्छी तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। देखिए हम ये सब लगा देते हैं पानी इसमें हल्का हल्का। अब आपको करना क्या है कि कटिंग को किस में आपको लगाना है। दोस्तों कटिंग को तो हम प्लास्टिक की जो बोतल आती है इसमें कटिंग को ग्रो करके आपको दिखाएंगे, आप ये देख रहे हैं। और इसको हमने नीचे से छिद्र कर दिया है और जो बैटरी का पानी आता है ये वही प्लास्टिक का बोतल है, हर घर में मिल जाएगा। और नहीं मिल जाएगा तो आप पॉट में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मीडिया क्या डालना है दोस्तों, इसमें मीडिया के लिए हम इसमें यूज कर रहे हैं सैंड का। दोस्तों जो रिवर सैंड होता है उसी सैंड का हम इसमें यूज कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं। और दोस्तों सैंड में बहुत अच्छे तरीके से कोई भी कटिंग ग्रो हो जाती है। दोस्तों हम तो इसमें सभी कटिंग को ग्रो करते हैं, चाहे बोगनविलिया हो गया, चाहे गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, जितने दोस्तों नींबू हो गया, सब इसमें अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है। देखिए अच्छे तरीके से हम इसमें भर दिए और भरने के बाद करना क्या है, जो ये कटिंग है कटिंग को दोस्तों इसमें लगा देना है। और ध्यान रहे कि जितना हमने टिश्यू पेपर फोल्ड किया है वहाँ तक आपको इसके अंदर तक डाल देना है।
तो दोस्तों हमने लगा दिया। अब इसमें आपको दे देना है पानी। तो दोस्तों पहली बार जब इसमें पानी दीजिएगा थोड़ा सा भरपूर मात्रा में दे दीजिएगा पानी, ताकि पानी पूरा नीचे तक ये चला जाए, और नीचे तक चला जाए तो कम से कम दोस्तों आपकी कटिंग को हमेशा दोस्तों ये नम बना के रखेगा। अब आपको काम ये करना है कि ऊपर से आप इसको ढकना है, ये आपको ध्यान रहे दोस्तों। ऊपर से ढकने का दो कारण है, एक तो दोस्तों अपने गार्डन में इसको हम रखते हैं तो बिल्ली नेवरा रहते हैं उसके माध्यम से कटिंग हिल जाती है तो कटिंग हमारी ख़राब हो जाती है, और दूसरा कारण क्या है दोस्तों, जब इसको हम ढक देते हैं तो ये बहुत जल्दी से आपकी कटिंग तैयार हो जाती है। तो इसको हम पैक कर दिए, और पैक करने के बाद इसको हम रख देते हैं शेड एरिया में। हाँ, ध्यान रहे कि थोड़ा समय समय पर इसका पानी का आप केयर करते हैं, क्योंकि ये जून का महीना है, टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी का केयर करते हैं, नहीं तो फिर ये कटिंग आपकी सूख जाएगी। इसका अपडेट आपको हम दिखाते हैं। आज पूरे 26 दिन हो गया, और 26 दिन बाद आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ग्रो किया है दोस्तों। हम 4-5 दिन पहले जो ये डब्बा देख रहे हैं, इस डब्बे को हम यहाँ से हटा दिए थे दोस्तों। इसलिए हटा दिए थे कि ये जो डब्बे में जो पत्तियाँ चिपक रही थी, तो वो पत्तियाँ काला हो रही थी। आप देख सकते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं काले काले आपको दिख रहा होगा, इसलिए हम डब्बे को हटा दिए थे। और दोस्तों आज की डेट में ये 26 दिन हो गया, और उसके एक सप्ताह बाद और इसका अपडेट आपको दिखाते हैं, और इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। आज देख सकते हैं आज पूरे 1 महीना 4 दिन हो गया, और 1 महीना 4 दिन का बाद का आप रिजल्ट देखिए, जो पत्ते काले हो रहे थे आप देख सकते हैं, वो जो पत्ते हैं वो फिर से देखिए हरा होने शुरू हो गए। जब हमने इसे डब्बे ढके थे, जो डब्बा को हटा दिया, देखिए उस डब्बे के हटाने के कारण देखिए जो पत्ते हरे होने शुरू हो गए। अब दोस्तों इसको आज रिजल्ट आपको दिखाते हैं, और रिजल्ट दिखाने के बाद इसको ट्रांसप्लांट हम करते हैं। अभी भी दोस्तों अगर इसको चाहेंगे तो आप 10 से 15 दिन तक इसको रख सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें रूट बहुत अच्छे तरीके से नहीं आया होगा। कम से कम दोस्तों ये मान लीजिए कि 40 से 45 दिन या 50 दिन के अंदर में रूट बहुत अच्छे से आता है। तो इसको निकालने के लिए पहले इसमें हल्का सा देते हैं पानी, और देने के बाद आपको इसका दिखाते हैं। देखिए ध्यान से देख सकते हैं आप, हम सभी को निकाल लेते हैं। और देखिए कितना ये शानदार ये रिजल्ट आया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये रिजल्ट आया हुआ है, और ये 1 महीना ये 4 दिन का रिजल्ट है। अब इसको आप ट्रांसप्लांट कर देंगे तो अच्छे तरीके से पौधा ये ग्रो करना ये शुरू हो जाएगा। अब इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए हम आपको बताते हैं कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं। इसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और ट्रांसप्लांट करने के लिए आप इसे 10 इंच के गमले भी ले सकते हैं। और देखिए हम 12 इंच गमला ले रखे हैं, और इसमें पोटिंग मिक्स बना लिए हैं, और आपके पास 12 इंच नहीं होगा तो 10 इंच गमले में भी इसको आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइम के लिए 10 इंच बहुत इसके लिए उपयुक्त है। और जो पोटिंग मिक्स है दोस्तों, आप जानते हैं पोटिंग मिक्स स्ट्रांग आपको बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उसके साथ साथ में ड्रेनेज सिस्टम भी इसका मजबूत होना चाहिए। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि ले सकते हैं 40% कंपोस्ट ले लीजिए, और 40% आप ले लीजिए गार्डन मिट्टी, और उसके बाद इसमें 20% आप सैंड ले लीजिए। और सैंड लेने के बाद इसमें बहुत मस्त ज़रूरी है नीम की खली, रॉक फास्फेट, चूना, ट्राइकोडर्मा और जाइम, ये सब चीज़ें आप ले लीजिए, और लेने के बाद इसमें मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद इस पौधे को लगा दीजिए। इसमें से कोई भी पौधा हम लगा सकते हैं, कोई एक पौधा हम लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बोगनविले का पौधा 7-8 पौधे ऑलरेडी हैं मेरे पास, तो हम कोई एक पौधा इसमें लगा देते हैं, इसी को हम लगाते हैं। और जो पोटिंग मिक्स मैंने बनाया है वही पोटिंग मिक्स आप बना के ये आप लगाइएगा। देखिए इस तरीके से इसको हम हल्का सा दबा देते हैं, और दबाने के बाद इसको हम देते हैं पानी। दोस्तों जब भी पानी हम देते हैं कोई नए पौधे में लगाने के बाद, तो हल्का पानी एक बार दे के ये छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको करना क्या, इसको रख देना हमको छाया जगह पर, और छाया जगह पर रखने के बाद
24 घंटे बाद इसे भरपूर पानी आपको दे देना है, और 4 से 5 दिन तक कम से कम रखिए अभी छाया जगह पर। उसके बाद इसे धूप में रखिए, क्योंकि ऑलरेडी ये धूप का पौधा है, धूप में रखेंगे तो अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। दोस्तों आपको तो समझ में आ गया होगा कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है और कितना टाइम लगता है। प्लीज़ कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर चैनल को जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।